हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए कि कैसे आप जो है अपने डिवाइस में जो भी आपका ब्लूटूथ स्पीकर हो, ब्लूटूथ यानी ब्लूटूथ बैंड हो, जैसे कि दोस्तों जो भी आपका सेवर का हो उसको आप कैसे फॉरगेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें इसका वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे स्वाइप करेंगे। स्वाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे सेटिंग्स का। दोस्तों, आपको उस ऑप्शन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन दिख जाए यहाँ पे मोर कनेक्शंस का। दोस्तों, आपको उस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लूटूथ का। ब्लूटूथ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी सेवर होगा आपका आपके डिवाइस में ब्लूटूथ बैंड है वो आपको दिख जाएगा। जैसे दोस्तों हमारा जो यूवन है वो हमारा सेवर होगा है, जो भी आपका सेवर होगा ब्लूटूथ आपको पेयर डिवाइस में दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइड वाला ऑप्शन है यहाँ पे सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों को इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए हमारे सामने नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे फॉरगेट का। दोस्तों, आपको इस ऑप्शन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फॉरगेट डिवाइस पे क्लिक करना है। क्लिक करते साथ दोस्तों जो भी आपके डिवाइस में ये ब्लूटूथ बैंड होगा ब्लूटूथ होगा वो आपका यहाँ से फॉरगेट हो चुका है कुछ इस तरीके से। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड और साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।